हवा एकदम तेज गाइस मजा आएगा। न जाने अब मिलेंगे हम कभी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। तो मैंने Zomato से कुछ ऑर्डर किया था और टू माय सरप्राइज उनका कॉल आया और वो बोले कि मैम मैं हैंडी कर दो आप नीचे आके ले। तो मैं नीचे जा रही हूँ सामान लेने और मतलब इतना खुशी होता है यार सुन के कि कुछ लोग होते हैं कि अपने सिचुएशंस का फायदा उठा के कुछ भी कर रहे हैं। और फिर एक ये है जो ऐसे गंदे सिचुएशंस में होने के बाद भी काम कर रहे हैं अपने लिए आप कर रहे हैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अभी कुछ दिन पहले भी मुझे पता चला था एक फीमेल डिलीवरी वाली आई थी और उन्होंने स्विगी से कुछ डिलीवर करा था तो मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। ऑनलाइन चीज़ें जितनी ख़राब है उतनी ही बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। चाहिए वीडियोस में क्योंकि वो पहले ही अपने लाइफ से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। भले ही चेहरे पे उनके एक स्माइल था और बहुत ही बड़ा सा स्माइल था कि अरे देख के खुशी हुई बहुत, लेकिन मैं सही नहीं समझती उनको वीडियो में दिखाना या कुछ भी, इसलिए नहीं दिखाया। अपने तीन डब्बों में से एक दे दिया, मुझे पता भी नहीं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, याद नहीं है खास क्योंकि काम करते करते किया था। और वो पहले तो मना कर रहे थे नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने उनको दे दिया और वो लिए, बहुत खुश हो गए, थैंक यू बोले। ऐसे लोगों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब अपना ख़राब टाइम चल रहा हो जो कि मेरा अभी चल रहा है, तो कहते हैं कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं कि वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो अपने को मोटिवेशन मिलता है कि इतना हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इंसान से ना ये चीज़ होती नहीं है क्योंकि इंसान को पता होता है कि भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर क्यों ऐसे हो रहा है। आज जब इनसे मिली ना मैं बहुत अच्छा लगा यार। अभी भी मैं एक वीडियो ही अपलोड कर रही थी जैसे बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उसको 6-7 बार एडिट कर दिया मैंने, फिर जाके वो अभी भी सही हो रहा है। पता नहीं वो अभी भी सही है या नहीं, लेकिन खुशी हो रही है उनसे मिल के। बहुत एमा देखा लो अका खुश रहा हन इतना हूँ माने पहले ही देवे के पहले ही वो बहुत खुश रहा हन, बहुत खुश। आ सोचो व्हील चेयर पर तो कैसे आ डिलीवरी देखो मेरे उतना चाह मा हाँ। लोग बोले ला कि हेंगन बा होंगन बा तो काम नहीं की करत हाँ। मान गए अच्छा लगा बहुत। देख लो तुम जी से हमको नहीं है कि फैन का है गोलू हुआ डोर और ये वो भी हो गया। मैंने 3 डब्बा कुछ कुछ मंगाया था और मैं और मम्मी है अभी सिर्फ घर पे, तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, 3रा डब्बा गया है उनके पास।
वीडियो भी शायद ये वाला अपलोड हो जाएगा सही से। मेरी नजर लग गई। वीडियो को कम से कम 8-10 बार एडिट करने के बाद अब मैं समझ गई कि ये वीडियो लाइव नहीं हो सकता, तो ये वीडियो अब लाइव नहीं जाएगा। अब ये वीडियो लाइव जाएगा जो आप देख रहे हैं। मैं क्यों अपडेट कर रहा हूं ये वाला जल्दी से। इस बार मम्मी फोन सेट किया। तो जो वीडियो मैं डाल रही थी वो वीडियो उतना कुछ खास तो नहीं था, बट मेहनत किया था उसके पीछे काफी। कोई बात नहीं गाइस, मेरे को कहना ये था कि इस चैनल पे मेरे को व्लॉग्स पर्टिकुलरली अपलोड करने हैं, लेकिन व्लॉग्स पे मेहनत भी करो और उतने व्यूज भी नहीं आते हैं, जिस वजह से मैं रिएक्शन करती हूँ और बीच बीच में व्लॉग्स डालती हूँ। तो अगर आपको ज्यादा रिएक्शन वाले वीडियोस देखने हैं और अगर आपको सिर्फ व्लॉग्स देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा रिएक्शन वाले के लिए रेक्सी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो। हाँ कुछ ना तू का करता रह, बोलो खा गई लो तो ना करे मुंह बाके बैठ। ठीक बा। हाँ व्लॉग बनाओ तो नहीं व्लॉग व्लॉग। तू अपन वीडियो हुआ देख लो कि ना देखनी है ना। नहीं बन रहा लो। वही में चल गए हमारे नेट पर। तब रुक अभी डालो तो नहीं। ठीक बा डाल दो तो नहीं। हाँ ठीक बा। अभी कैसा व्लॉग बनाओ तो रुको बता मैं नहीं रखा फोन कर तो नहीं। अच्छा ठीक बा रखा फोन। हमारे 19 रुपए के डालो पहले। ठीक बा। यही रेक्सी के चैनल को सब्सक्राइब करें आप ज्यादा रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए, और उसके चैनल पे अच्छे वीडियोस आते हैं यार, मतलब उसके चैनल वाले सारे वीडियोस पे बहुत मेहनत रहती है। मेरे इस चैनल का जो रिएक्शन वीडियोस रहता है उससे बहुत ज्यादा मेहनत रहती है इसके चैनल पे। तो मैं चाहती हूँ आप सब जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और सारे वीडियोस में हम साथ में बनाते हैं वीडियो, मजा आएगा आपको देख के। ठीक है अब हम होकर तनी रिचार्ज को दें। तो मैं यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, आज वाला वीडियो लाइव नहीं गया तो उससे बेटर वीडियो ये वाला कल लाइव जाएगा, और आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग को हमेशा ऐसे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मुझसे कि आपके इतना खुश कैसे रहे, आपके इतना मोटिवेटेड कैसे रहे। तो भैया मैं लगभग 1 साल से गायब हूँ सोशल मीडिया से, लगभग 1 साल से, मतलब बहुत ही कम वीडियोज आते हैं मेरे। और इंस्टाग्राम पे तो शायद मैं पिछले 3-4 महीने से एकदम ही गायब हूँ, कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मोटिवेटेड हूँ लाइफ में, इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं, क्योंकि यही मेरा काम है और यही मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, सबके ही जिंदगी में बुरे टाइम्स आते हैं, अच्छे टाइम्स आते हैं। मम्मी ध्यान ही नहीं दे रही है, मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बोले तो साली को। सबके लाइफ में बुरे और अच्छे टाइम्स आते हैं, आपको बस चुस्की लेने की देरी है, एक चुस्की पानी पूरी का पानी का, और सारा दुख दर्द छी। मैं बहुत छोटी थी तब से मम्मी मेरे से एकदम ही लॉजिकल वाली बातें करती है, मतलब एकदम ही दुख दर्द पीड़ा कष्ट जो किसी को समझ में नहीं आया उस उम्र में, उस उम्र से मम्मी मुझसे ये सब बातें करती है। तो हाथ से जल्दी ही मच्योर हो गए मैं, और ऋषभ से भी करती थी ऐसी ऐसी बातें, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ कुछ चीज़ें बताएंगी कि बस वो चीज़ें अब जाके किसी बच्चे को समझ आएगी, लेकिन हम लोग को तब से ही आ रही है। तो मम्मी ही है जिनकी वजह से मैं ऐसी ऐसी बातें कभी कभी कर पाती हूँ। हाँ मेरे को अच्छा ये लगा कि जैसे नीचे हवा चल रही थी तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई। अभी कुछ दिन पहले जान तो रुका भर हुए सामान मंगाऊ स्विगी से इंस्टामार्ट से, तो एगो आंटी हुई डिलीवर करे। हाँ एकदम माने रहुई तहरा खानी, लेकिन एकदम जैकेट पैंट पहन ले रहुई, थैंक यू मैम बोल के डिलीवर करके गई। एकदम हम जस्ट ही सूत के उठा रहुई ऑर्डर कहूँ या इन्हें आऊँगी उनकर चेहरा देखूँ पहले, तो इतना अच्छा लगा ना, मतलब शुरू सुबह सुबह ही कुछ ऐसा देख लो जो एकदम सोच से परे है, तो बहुत अच्छा दिन गया वो वाला भी। और अभी आज का दिन भी एकदम बैठे बैठे एडिट करते करते थका थका सा जा रहा था, लेकिन बस उनको देख के मस्त हो गया एकदम। एक दिन फ्लिपकार्ट के सामान लेके आई रहूँ एगो पातर आंटी रहूँ,
बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब सोशल मीडिया को और ये ऑनलाइन जितनी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खराब है, तो देखो हर चीज़ जितना खराब है उतना ही अच्छा भी है। अभी देख लो जो चीज़ें हम पढ़ लिख के जिन जॉब्स के लिए हम अप्लाई करते हैं उसमें हमेशा एक क्राइटेरिया रहता है कि ये चीज़ आप हो तो ही आपको ये जॉब मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो कि सबके लिए ओपन है, मतलब कितना अच्छा बात है कि किसी के लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हुआ हो उनके साथ, वो ये कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं करना तो। अभी अगर मान लो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं कि आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हो, ले सकते हो, तो फिर ये सारे लोग जो लोग ऐसे हैं सिचुएशंस में जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा, जो कि काम भी करना चाहते हैं, सोचो उन लोगों को क्या होता अगर ये सब नहीं होता तो। बहुत ज़्यादा मन है कि मैं एक वो वीडियो बनाऊं, और ये कम से कम मैं 1.5 साल से सोच रही हूँ बनाने का कि मैं एक दिन के लिए Zomato डिलीवरी गर्ल बनूं और डिलीवर करूं, और मैं ये वीडियो मेन चैनल पे डालना चाहती हूँ। बहुत मन है मेरा करने का, बहुत मज़ा भी आएगा ये करने में। अब तो इनको देख के और जोश आ गया कि करना ही है, जल्दी बनाऊंगी ये वाला वीडियो। ये बूंदू बस 1 GB डाल, 19 रुपए का आता है, तू ध्यान नहीं दी होगी, 1 GB डाली होती, रात को 12 बजे फिर आ जाएगा, और फिर कल हम वहाँ आ जाएंगे, वाई फाई आ जाएगा मेरे पास, तो वहाँ पे फिर इसका क्या होगा, कोई इज्जत नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो किगन बोल ले बा, सुनो ये, हाँ इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं बोला है, दिल भर गया है देख के, और मैं ये सब फेक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में दिल से ऐसा फील करती हूँ जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत खुशी होती है। और गायब होने का रीज़न मैं अभी आप लोग को नहीं बता सकती, कुछ टाइम बाद शायद मैं बता पाऊँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गलत टाइम पे समझाना गलत ही होता है, तो अभी ये गलत टाइम है, और कुछ नहीं बोलना है, जिसको सही समझना है वो सही समझ सकता है, जिसको गलत समझना है वो गलत समझ सकता है। बाकी मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, अच्छे से रहें, और हमारे वीडियोस देखें। अगर आप इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेक्सी के चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप उसको फॉलो कर लो, और मेरे को ज़रा आइडियाज दो नए वीडियोस बनाने के। और अंत में हमेशा की तरह कुछ बोलना तो बनता है, गला थोड़ा सा खराब है, सो पार्डन माय लॉर्ड। तो गाइस आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है काइंडनेस, और शायद मेरा इस बारे में बोलना थोड़ा सा आयरॉनिक लग सकता है कुछ लोगों को, पर हम सब अपने उस गोल तक पहुँचने के लिए एक रास्ता चुन चुके हैं, और उस रास्ते को तय करने में कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, शायद वो कुछ लोग आपके घर से ही हों या फिर कुछ बाहर वाले हों, लेकिन मैं कहना बस यही चाहूँगी कि अपने नियत को सही रखें और कोशिश करें कि कोई आपसे जानबूझ के हर्ट ना हो। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं कि आप जो ये सुन रहे हैं वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, कितने सारे स्ट्रगल्स देख चुके हैं या देख रहे हैं, लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, कई सारे लोग बस हंस के टाल दे रहे हैं, कुछ लोग बताना चाहते हैं लेकिन बस ये सोच के नहीं बता पाते हैं कि रो देंगे, तो अगर कोई सिर्फ बोल नहीं पा रहा है ना ये सोच के कि रो दूंगा मैं, तो आप समझ जाओ वो कितनी सारी चीजों से गुजर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं, और हम सब यही हैं एक साथ। तो हो सकता है आपका कोई दिन बुरा जा रहा हो, आपका दिमाग थोड़ा सा ऑफ चल रहा हो, लेकिन कोशिश करें कि आप जिस भी नए इंसान से मिलें या जिससे भी मिलें उस पर अपना गुस्सा ना उतारें और उससे बिल्कुल प्यार से पेश आए, ये आपका सबसे पहला स्टेप भी हो सकता है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का और एक काम इंसान बनने की तरफ। ये मैंने भी ट्राई किया है एंड इट डेफिनेटली हैज़ वर्क्ड फॉर मी। बस गाइस इससे ज़्यादा कुछ भी बोलना मैं अभी सही नहीं समझ रही हूँ क्योंकि पहले ही बोला है गलत टाइम। ओके गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें आप सब अपना।